क्या हुआ? ठीक से करो। आज के लिए काफी है, तुम्हें और तेज होने की जरूरत है। ओ, फिर तो मुझे तेज होने के लिए एक वैम्पायर बनना पड़ेगा। वैम्पायर के हाथों नहीं मरना चाहते तो तेज होना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर करके ही मर जाऊंगा। और तुमने मुझे बताया नहीं कि कृष्णा ने उस रात तुम्हें क्या सच बताया था। तुम्हें जो कुछ भी पता है बताओ मुझे। नहीं, मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम भी लोगों को अब मारना छोड़ दो। मुझे नहीं पता। एक और बात है जो मैंने तुमसे कभी पूछी नहीं। तुम्हारी बहन के बारे में। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? जानना चाहता हूं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो हमें 10 साल पीछे जाना होगा। जख्म भर रहा है, तुम अगले हफ्ते तक ठीक हो जाओगे। तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे ठीक होने के बाद तुम मुझे गिफ्ट दोगी। अब मैं ठीक हो गया हूं और मेरा गिफ्ट? अरे पहले तुम ठीक होने पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है ना। और उसके बाद जब तुम अगले हफ्ते ठीक हो जाओगे तो मैं 2 खरीद कर दूंगी, ठीक है? शुक्रिया। Get well soon. ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि तुम इतनी अच्छी नर्स हुआ करती थी और अभी अपने आप को देखो और जो काम करती हो उसका ठीक उल्टा है। तुम्हें सुनना है या नहीं? अगर नहीं सुनना है तो मैं चुप हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, सुनूंगा। हे शिल्पा, दोबारा से फ्रूट वाला गिफ्ट? हाँ, वो
इससे इन्हें थोड़ी ताकत मिलेगी और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम कितनी अच्छी हो, सुंदर और भोली भाली। शिल्पा, क्या तुमने वो अफवाह सुनी? कौन सी अफवाह? मुझे नहीं पता, मैंने किसी से सुना है कि जीआई ने समुद्र से एक बॉडी निकाली है, फिर डॉक्टर्स ने बॉडी की लिक्विड चेक की और ये कहा कि ये बॉडी दशकों पुरानी है, लेकिन बॉडी अब भी अच्छी शेप में है। ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने ये भी कहा कि बॉडी मॉर्ग में है और उसे अच्छे से सुरक्षित रखा गया है। क्या पता वो लोग अंदर क्या कर रहे होंगे, पहरेदार है ना? हाँ। दरवाजा बंद करो। कल मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया था, तुम लाइन में लग के चेकअप करवा सकती हो। अपसेट क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं आज यहाँ नहीं आना चाहती थी। पता था तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कार्ड बनाया है। तुम्हें पता है यहाँ पर सब लोग नहीं आ पाते हैं। और मुझे उन्होंने तुम्हारा स्पेशल ख्याल रखने के लिए कहा है। कुछ ब्लड टेस्ट है। थैंक यू दीदी। ये होने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? अरे, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं इतनी आसानी से थोड़ी बताऊंगी। दीदी, सच में अभी नहीं बताओगी? हाँ, पहले तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, फिर बताऊंगी। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। पिछली बार के टेस्ट की रिपोर्ट लाई हो? हाँ, ये रही। ओ, लाओ लाओ। ठीक है ना? इसे मेरे पास छोड़ दूं, मैं देखता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है। शिल्पा। डेविड। तुम्हारी फोटो बहुत सुंदर आई है। तुम अपना काम छोड़कर आए हो, न्यूज एजेंसी गुस्सा नहीं करेगी? मैं यहां पे अब सबका इंटरव्यू ले चुका हूं, लेकिन अब मैं यहां से जाना नहीं चाहता हूं। ऐसा क्यों? ये लो। ये क्या है? ये एक तरह का राइस का स्नैक है। राइस स्नैक? ये दोनों कपल हैं? अब तो तुम्हारी बहन का चेकअप खत्म होने वाला होगा ना? हाँ। क्या तुम उसके बारे में इतनी चिंता हमेशा करती रहोगी? हाँ, करती तो हूँ। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, साथ ही करते हैं। जैसे कि जब भी मैं काम पर आती हूँ, कुछ फनी देखती हूँ, तो उसे जरूर बताती हूँ। मैं एक नर्स हूँ और दरअसल उसे भी नर्स बनना था, लेकिन उसे हॉस्पिटल पसंद नहीं है।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? मेरे पेरेंट्स गुजर गए हैं। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं और मेरी बहन अनाथ आश्रम में रहते थे, लेकिन वो इतनी खुश नसीब नहीं है। उसे खून की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी लाखों में किसी एक इंसान को होती है, और इसी वजह से मैंने नर्स की पढ़ाई की। तो हम दोनों ने बुरा वक्त भी साथ में ही गुजारा है। हेल्थ को लेकर उसका बैड लक है, इसलिए मैं उसकी गुड लक बनना चाहती हूँ। ऐसी बहन बनूंगी जिस पर वो नाज करे। शिल्पा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते मैं अपने देश वापस चला जाऊंगा। ये तो दुख की बात है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जिस दिन से हम एक दूसरे से मिले हैं उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा और ये तुमसे वादा करता हूं। तुम्हारी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी सुंदर नर्स और एक जवान न्यूज रिपोर्टर की खूबसूरत सी लव स्टोरी है। तुमसे ये किसने कहा? सब कुछ उसके बाद हुआ था। क्या मैं ठीक हो जाऊंगी दीदी? डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है तुम्हारे खून में क्या प्रॉब्लम है। मैं जितना हो सके तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ, रुको, आज तुम्हारा बर्थडे है, जैसा कि मैंने वादा किया था। थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ दीदी? ये बॉम्ब हो सकता है। माफ कीजिए, आप नहीं जा सकते, अभी आपकी जान को खतरा है, प्लीज अंदर रहिए। चलो अंदर चलते हैं। क्या हुआ है? अभी कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर बहुत खतरा है। आपके लिए बेहतर होगा आप अंदर रहें। नहीं नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, अंदर चलिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। ये
क्या आपको पता है कि क्या हुआ है? वहां अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट को काफी चोटें आई हैं। घबराइए नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अभी आपको अंदर ही रहना चाहिए। आप अंदर चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, चलिए जाइए, 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 जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी चलो। जल्दी करो, आगे जाओ, उस तरफ, उस तरफ। तुम लोग अंदर जाओ, मैं बाहर जाके देख के आता हूं। सिस्टर, इस तरफ। शिल्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने देखा बाहर कितने लोग मर गए हैं? सोल्जर्स ने कहा वहां पर बॉम्ब है, आप मेरे साथ आइए। चलो, चलो, अंदर चलो। जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। सिस्टर, ये क्या हो गया आपको?
सिस्टर छोड़िए, सिस्टर छोड़िए मुझे, सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। ये क्या हो गया आपको? सिस्टर, सिस्टर ये क्या कर रही है? सिस्टर मैं हूँ सिस्टर, सिस्टर। कौन है? मुझे नहीं पता, हमें सबको बचाना होगा।
बाहर की हालत बहुत खराब है। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है। चलो अंदर चल के छुप जाते हैं। चलो आ जाओ, जल्दी करो। रानी, रानी, यहीं रुको। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मेरी बहन को बचाना होगा। बच सकती हो शिल्पा, मुझे जाने दो। मेरा यकीन करो, यहीं रुको। छोड़ दो उसे। मैं कह रहा हूं छोड़ो। रानी, तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो।
शिल्पा, 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 तुम्हारी दोस्त बेचारी मर रही है। क्या तुम चाहते हो कि वो बचे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। को लेकर उसका बैड लक है, मैं उसकी गुड लक बनना चाहती हूँ। थैंक यू दीदी। मुझे खबर मिली है कि यहां कभी भी बॉम्ब गिर सकते हैं। हमें यहां से निकलना चाहिए। तुम बाहर जाओ और वेट करो। यस सर। और तुम मेरे साथ चलो। जिंदगी
अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा और ये तुमसे वादा करता हूं। और उस दिन से ही मैं अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, पर वो डेविड नाम का आदमी अभी कहां है? मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि हम दोनों प्यार करते थे, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। मुझे लगता है तुम जो वैम्पायर्स का खून पीती हो उससे तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मैं अभी खून नहीं पी सकती, लेकिन बस यही एक जरिया है मुझे मेरी बहन को ढूंढने का। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी बहन ही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया। तो ट्रेनिंग करें? चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? मैंने आपको पहली बार पेशेंट वार्ड में देखा था, जब आपको काटा था। पर तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी बहन शिल्पा, वही नर्स जिसने कैंप के बाद आपका ख्याल रखा था। शिल्पा, जब मैं इंसान था तब वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी, और अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं। तुम मेरे साथ हो, मेरा इलाज कर रही हो। तुम तैयार हो? हाँ। क्या तुम मुझे इस जिंदगी से आजाद कर सकती हो?
पता नहीं ऐसा कौन है जो अमरत्व चाहता है, लेकिन हां मुझे उससे नफरत है। तुम्हारा शुक्रिया रानी। यही है अजिंक्य, ये बहुत ताकतवर लग रहा है। क्या हमें सूजन और कबीर को नहीं बताना चाहिए? मुझे लगता है हम समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं दोबारा खून पी सकती हूँ, वो आसान होगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरा नाम डेविड है, मैं रानी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं ना जीऊं तू कैसे मिले।